नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा आखिर गुंठे वाली प्लॉट खरीदने में क्या समस्याएं आती हैं, आगे फ्यूचर में क्या समस्याएं आ सकती हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे कि इन समस्याओं में कमी आ सके। क्योंकि एक तरीके से गुंठे वाली जो प्लॉट्स हैं उस पर एक तरीके से इलीगल हैं, उसे आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए भी क्राइटेरिया हमने लगातार तमाम वीडियो में आपको बताया हुआ है कि 11 गुंठे ही लेना चाहिए, यानी कि अगर आप 10,890 स्क्वायर फीट लेते हैं, 890 स्क्वायर फीट, तो आपका इंडिविजुअल 7-12 हो जाता है। तो ये तो हुई लैंड रिकॉर्ड की बात कि अगर आपका लैंड रिकॉर्ड पे नाम चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, वो उसके हिसाब से आपको 11 गुंठा लेना होता। लेकिन 11 गुंठा लेने के बाद आपके पास ये अथॉरिटी नहीं आ जाती कि आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। तो आखिर इसके पीछे क्या है रीजन, आज समझते हैं। देखिए, जो भी जो लैंड पार्सल हैं जो पीएमआरडीए के हद में आ रहे हैं, यानी कि पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पिछले 4-5 सालों से लगातार सर्वे जो है किया और सर्वे में ये पाया कि 7,500 से ज़्यादा ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो इल्लीगल हैं और उनमें से लगभग 224 ऐसे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पे इन्होंने डिमोलिशन की जो एक्टिविटी वो कर दी है। बचे हुए जो 7,300 के आसपास के जो एक तरीके से इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उस पर भी अब तलवार की धार लटक रही है। और ये किया कहाँ कहाँ जा रहा है, ये मवड़, मुलसी, हवेली और खेड़ तालुका के अंतर्गत ये सारे सर्वे करके पीएमआरडीए कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में देखें, यानी कि लास्ट वीक ही आप देखें, तो केसनंद गांव में भी ये डिमोलिशन ड्राइव चलाया गया। आखिर आप इससे बचेंगे कैसे, ऐसे किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, बीच में हमने एक वीडियो बनाया था, उसे आई बटन पर चला देते हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिए। गुंठेवारी रेगुलराइजेशन का भी एक एक्ट आया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि आखिर आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जो कंस्ट्रक्शन है, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसे रेगुलराइज कर सकते हैं। उसमें मोटे तौर पे जो बातें थी वो आप समझ लीजिए कि आपको 10% टोटल लैंड पार्सल का हिस्सा आपको रोड के साइड में मार्जिन छोड़ना था जिससे कल को अगर रोड वाइड हो तो वो चीज़ ऑक्यूपाई की जा सके जो आपने प्लॉट के आगे छोड़ा है, प्लस जो वहाँ की FSI है उसके हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन हो और जो आपका कंस्ट्रक्शन है वो दिसंबर 2020 के पहले हुआ होना चाहिए और जितना आपने स्क्वायर फीट बनाया है उसका जब आपने कंस्ट्रक्शन किया उस समय से जो पेंडिंग आपका प्रॉपर्टी टैक्स है वो पे कर दीजिए, प्लस आप पेनल्टी पे कर दीजिए। ये सारी चीज़ें थी, उसके लिए गवर्नमेंट ने 1 साल का टाइम दिया था कि आप उस 1 साल के अंतर्गत ऐसे जितने भी कंस्ट्रक्शन वो लोग अप्लाई करें कि भाई मैं रेगुलराइज करना चाहता हूँ, यानी कि समय समय पर जो गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन है उसको भी रेगुलराइज करने का कहीं ना कहीं स्कोप निकलता है। लेकिन बहुत से लोग हैं इस पर ध्यान नहीं दे पाते या फिर उन्होंने 10% मार्जिन छोड़ा ही नहीं है। अब आप पीएमआरडीए को ही ले लीजिए, तो पिछले कई सालों से लगातार ये नोटिसेस भी भेज रहे हैं जिसका रिप्लाई 3 वीक में करना होता है। बहुत से ऐसे कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो 7,500 कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने बताया इलीगल, इन्होंने नोटिसेस का रिप्लाई तक नहीं दिया। और अब क्या हुआ, बीच में कोविड की सिचुएशन थी तो इस पूरे एक्टिविटी पे कहीं ना कहीं एक तरीके से रुका हुआ था कोविड के चलते, लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ दोबारा ये डिमोलिशन ड्राइव चालू कर दिया गया। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है, जब कभी भी आप गुंठे वाली प्लॉट खरीद रहे हैं, एक तो आप उसके लैंड रिकॉर्ड को देख लीजिए, यानी कि जिस लैंड ओनर से आप लोग प्लॉट खरीद रहे हैं वो आपके नाम पे आ जाए, यानी कि जो तय सीमा है उसके हिसाब से हो। अगर आप कंबाइंड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आने वाले समय में उसमें भी दिक्कतें आएंगी। और अगर मान लीजिए आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपने खरीद लिया है, वैसे इलीगल तो आपको खरीदना नहीं चाहिए, फिर भी अब एक नेसेसरी है आपके लिए क्योंकि आप घर कैसे बनाएंगे। बहुत से लोगों का कहना ये होता है हमारे पास इतना फंड ही नहीं है कि हम NA प्लॉट ले सकें, क्योंकि बहुत इक्का दुक्का ही ऐसे स्कीम आते हैं और उनकी मोनोपोली सी बन जाती है और काफ़ी महंगे रेट में वो बेचते हैं। तो ठीक है, आप मान लीजिए खरीद भी लेते हैं गुंठेवारी, तो आप वहाँ के हिसाब का जो FSI है उस हिसाब से बनाइए, कुछ मार्जिन छोड़ के बनाइए। ऐसा नहीं कि आप कट टू कट बना लीजिए और जो मेजनिन होता है वो आप रोड में निकाल दीजिए। तो इसमें कल को अगर आप रेगुलराइज करने भी जाएंगे और गवर्नमेंट आपको एक स्कोप भी देती है कि आप रेगुलराइज कर लीजिए, तो आप करा ही नहीं पाएंगे क्योंकि आप उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, पहली चीज़ कि लैंड रिकॉर्ड्स में आपका नाम आ जाए, यानी कि 7-12 फेरफार में आपका नाम चढ़ जाए, लैंड प्रॉपर लीगल हो, और उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन करें तो इस तरीके से करिए कि वो रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा हो, अदरवाइज आने वाले समय में आपको समस्याएं हो सकती हैं जैसा अभी देखने में आ रहा है। और अभी 7,300 से ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन पे ये सारी कार्रवाई होनी है। अधिकतर ऐसे जो कंस्ट्रक्शन है जो अनऑक्युपाइड है, यानी कि जहाँ पे लोग नहीं रह रहे हैं, वहाँ पे ये कार्रवाइयाँ तेज़ी से चल रही हैं डिमोलिशन की। पीछे भी हमने आपको दिखाया वाकड़ वगैरह में कैसे जो है डिमोलिशन पे काम किया जा रहा है, जो एनक्रोचमेंट है उस पर काम किया जा रहा है। तो लगातार आप लोग सौदागर से जुड़े रहें।
जिससे आपको ये जानकारियाँ मिलती रहें, लोगों तक शेयर करिए जिससे लोग जागरूक हो सकें। और अगर आपको ऐसे प्लॉट्स खरीदने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप जो उसकी तय सीमा है, जो रूल रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। जहाँ कहीं भी आपको मेरी मदद लगे, हमारी मदद लगे सौदागर की, हमने डिस्क्रिप्शन में क्वेरी कंसर्न फॉर्म डाल रखा है, उस पर अपनी समस्या फिल कर दीजिए, इन पर्सन कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे हमें प्रोत्साहन मिले और आपको मिलता रहे लगातार इन्फॉर्मेशन। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।